दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विसेज एग्जाम में 2021 साल में ऑल इंडिया रैंक 6 रैंक लाए हैं एक आर चौधरी, जो कि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनके पिता एक एग्रीकल्चर हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं, और इनके पढ़ाई के लिए उनके पापा जी जान लगा के इनको पढ़ाई करवाया। और इन्होंने 2019 साल में असिस्टेंट कमांडेंट CRPF का एक पोस्ट पर सिलेक्ट कर भी लिया था उनके। बाकी उन्होंने एक्सटेंशन लीव लेके उन्होंने दोबारा से UPSC का प्रयास किया और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 रैंक लाए हैं 2021 साल में। इन्होंने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से किए थे और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आसाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी किया है 2017 साल में। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में आके KSRE एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया है, जहाँ पर उनको असिस्टेंट कमांडेंट का पद मिल गया था। इसका मतलब असिस्टेंट कमांडेंट एट जनरल अहमद पुलिस फोर्स CRPF 2019 साल में मिल गया था उनके पोस्ट। बाकी उनके सपने थे जो एक कलेक्टर बनने का, इसलिए उन्होंने दोबारा से वहाँ से लीव लेके दोबारा से उन्होंने कड़ी मेहनत करके अभी वो एक IAS का पोस्ट पर देखा गया है। 2021 साल में एग्जामिनेशन में 685 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करवा लिया, बल्कि वैकेंसी है 749 वैकेंसी है और 180 सीट IAS का कैडर के अंदर दिया गया है। IFS 37 सीट और IPS 200 सीट और जनरल सर्विसेज ग्रुप ए में 242 सीट है और 90 सीट दिया गया है ग्रुप बी सर्विसेज में। चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।